नमस्कार, मैं हूं अंजलि और एचपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं आज के कुछ सुर्खियों पर। आज महुआ वैशाली में सीएए और कैब विरोध का जोरदार प्रदर्शन हुआ। अज्ञात बस की ठोकर से पिता पुत्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी पटना से ससुराल गए युवक की मौत। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार, अजित पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भ्रमित समाज कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अब खबरें विस्तार से। हाजीपुर महुआ में सुबह से ही सैकड़ों लोगों ने पुलिस की सुरक्षा के साथ रैली निकाली, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और हाजी बबलू की अध्यक्षता में कैब के खिलाफ जन आक्रोश मार्च निकाला गया तथा सीपीआई, भीम सेना, एआईएसएफ, सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हाथ में तिरंगा लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ तथा सीएए और कैब के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस आक्रोश मार्च में मुख्य रूप से हाफिज सैयद, जावेद, मुफ्ती अली राजा, आस मोहम्मद, मोहजम सरकार, सफदर इरशाद, जावेद फैजी, हाजी शकील के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर कैब का विरोध प्रदर्शन के हिस्से बने रहे। प्रशासन की तरफ से महुआ बाजार की सुरक्षा बनाए रखे हुए। वैशाली जिले के हाजीपुर मुजफ्फरनगर एनएच 22 राजमार्ग पर अज्ञात बस के ठोकर से पिता पुत्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिली कि मंगलवार दोपहर में सदर थाना क्षेत्र के सुभाई गांव निवासी सीता चौधरी के पुत्र रामनाथ चौधरी एवं इनके पुत्र प्रिंस कुमार उर्फ रवि बाइक से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे कि सदर थाना क्षेत्र के एकारा गांव के समीप राय बीरेंद्र सिंह कॉलेज के समीप एनएच 22 पर हाजीपुर की ओर से अज्ञात बस मुजफ्फरनगर की ओर जा रही बस ने बाइक सवार दोनों पिता पुत्र को रौंदते हुए घटनास्थल से मुजफ्फरनगर की ओर भाग गई। मौके पर पुत्र प्रिंस की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल रामनाथ चौधरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल चौधरी को पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच गई। थोड़ी देर बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर परिजन पहुंच गए। राजधानी पटना स्थित ससुराल गए युवक की मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए जला डालने का आरोप। मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने शव को महुआ ताजपुर सड़क मार्ग पर रख कर किया जांच। प्राप्त जानकारी के अनुसार महुआ थाना क्षेत्र समसपुरा पंचायत के कुशर खास गांव निवासी राम बहादुर सहनी के 28 वर्षीय पुत्र सुधीर सहनी की मौत पटना स्थित ससुराल में हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने पटना स्थित उसके ससुराल से लेकर कुशर आ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसे जलाने जा रखे थे। इसी बीच हमें इसकी जानकारी मिल गई और मौके पर पहुंचकर शव को उनके चंगुल से मुक्त करा लिया। घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष कृष्ण नंदन जहां अपने दल बल के साथ पहुंचकर जाम कर रहे लोगों को समझा बुझा कर जाम समाप्त करवाया। जो ससुराल वाले हैं वो 4 साल पहले मतलब कि मारपीट वाला लफड़ा दर्ज हो गया था थाना में। थाना हो जाने के बाद में मतलब कि जो उनका जो गार्जियन है ससुर सास और वहाँ के 2-4-5 आदमी आए थे, वो बोले कि जे हम ये लड़का को मतलब कि जे जान मरवा देंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल रहा है एचबीएन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचबीएन न्यूज चैनल में। महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार में शामिल हुए नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 30 दिसंबर को होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना से आदित्य ठाकरे भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने पहली बार चुनाव लड़ा है और वर्ली से विजय रखे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर अजित पवार ने सोमवार सुबह एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम बन सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहित्य को अपना जीवन समर्पित करने वाले महान साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इससे समाज की दिशा तय होती है, इसलिए यह दर्पण उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी लेखनी ऐसी होनी चाहिए जो मार्गदर्शक के रूप में समाज को नई दिशा दे सके। जहां भी हम अपनी लेखनी को खेमे में बांधने का प्रयास करेंगे, क्षेत्रीयता, जातीयता या उनका संकरता में बांटने का प्रयास करेंगे, तो इससे समाज और राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति होगी। इसके साथ ही समाज भ्रमित भी होगा, खासकर युवा पीढ़ी के सामने ऐसी स्थिति पैदा होती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।